अपर बॉडीज है, इसके दो आईज है, ये है मेरी टेस्टी सी प्रॉन चिली। लेकिन तुमने तो यार ये ऑर्डर किया था, ये लो अपना। ये क्या है? ओ शिट यार, ये देखने में तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। पूरा तुम्हें खत्म करना है, क्योंकि ऑर्डर तुम्हारा था कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है रांची में, तो ट्राई करो यार। अब क्या ये सरवाना, इसकी आंख दिख रही अजीब सा है, बट कोई नहीं, कुछ नया आया हम ट्राई जरूर करेंगे, मैं खाने के बाद बताऊंगी कैसा लग रहा है। अभी हम हरमू रोड में और आज का मौसम काफी अच्छा है, टाइम हो चुका है सुबह का 11 एंड आज हम लोग शूट करने वाले बहुत ही अमेजिंग येट इंटरेस्टिंग सी डिश, जो कि सिंगापुर ओरिजिनेटेड डिश है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, येट रांची में आई डोंट थिंक सो कि आपने कभी ये ट्राई किया होगा, सो लेट्स गो इन एंड ट्राई दिस डिश आउट। जितने भी होते हैं ना वो यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे अराउंड 100 वैरायटीज ऑफ फिशेज यहाँ पे रखे हुए हैं, सो दे आर न्यूमरस वैरायटीज एज इन बॉम्बे डक। यहाँ पर वैरायटीज ऑफ क्रैब बहुत सारे हैं, दो तीन तरह के वैरायटीज है क्रैब के आपको दिख जाएंगे, और प्रॉन के भी एक और वैरायटीज है जो कि व्हाइट कलर का है, जो साइड में रखा हुआ है, उससे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे चल के। सो दिस बेसिकली इज द पोस्टमार्टम रूम ऑफ द फिशेज, यहाँ पे सारे फिशेज आपको कट करके मिलते हैं अच्छी तरह से, एंड आप देख सकते हो बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में इसे रखा गया है, एंड इस कोरोना के गाइडलाइंस में ये लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। आपको होम डिलीवरी अवेलेबल है, आप थर्ड पार्टी ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नॉट मोर देन 2 or 3 पीपल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो दे आर फॉलोइंग दी कोरोना गाइडलाइंस वेरी वेल, तो आप यहाँ पे डाइन इन भी कर सकते हो एंड यहाँ के डिफरेंट वेरिएंट्स का मजा ले सकते हो। और गाइज ये है हमारा रेस्टोरेंट का एरिया जहाँ पर आप लोग डाइन इन कर सकते हो, और गाइज ये यहाँ का किचन एरिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके खाने में क्या क्या बन रहा है, बनते हुए भी आप लोग देख सकते हो, किचन काफी नीट एंड क्लीन है। एक बार मैं अंदर जाकर आप लोगों को शॉर्ट टूर दे देता हूँ किचन का भी। सो दिस इज द एरिया जहाँ पे अपनी फूड प्रिपेयर होने वाली है, एंड हियर इज द शेफ जो कि हमारे फूड को प्रिपेयर करेंगे एंड ही विल टेल अस मोर अबाउट द फूड। सो यार जितने भी हम जितना भी कुछ भी बता दें हमसे ज्यादा नॉलेज तो ऑफ कोर्स शेफ के पास है, तो ही विल टेल अस मोर अबाउट द फूड। सो गाइस फाइनली हमारा फूड प्रिपेयर होना शुरू हो चुका है। हमारे जो सेफ है ना वो कलकत्ता से आए हुए हैं, और इनका जो बनाने का स्टाइल है ना पूरा का पूरा एकदम कलकत्ता वाला स्टाइल में पर हमारा तैयार हो रहा है प्रॉन चिली।
Okay guys, so let me introduce you to the platter on our table. It's tandoori crab and it's prawn chili. And आज की weather भी इतनी amazing है ना यार, हम लोग ना बाहर आके बैठ गए क्योंकि weather के साथ इसे enjoy करने का मजा ही कुछ और होगा. आप देख सकते हो बहुत ही beautiful सी area है. मुझे यार नहीं हो रहा, मैं सोच रहा हूँ कभी से cut करूँ. चलो so first is that हम लोग अभी try करने वाले हैं, वो है अपनी crab tandoori gravy. So let's dig in. मैं फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहा हूँ. जैसा रिएक्शन रॉली का है वैसा ही रिएक्शन बिल्कुल मेरे अंदर से आ रहा है, बट मैं ना अंदर से दिखा नहीं रहा क्योंकि आगे चल के मेरा मजाक उड़ाने लगी. तो यार आप लोग देख सकते हो ये जो ऊपर का कवर है ना, इसे अलग से फ्राई किया गया उसके बाद ऊपर डाला गया. और हम लोग को जो मेन खाना है ना ये इसके अंदर का खाना है. ये तुमको नहीं ना पता था, इसको तो लग रहा था कि हम लोग को ये खाना है, इसका आइस खाना है. अरे भाई ये बहुत ही अजीब सा बियर्ड सा लग रहा था देखने में. तुम ये ट्राई करो, ये तुमको खाने में ज्यादा मजा आएगा. इट्स ओके, चलो हम लोग बिना डिले किए इसे ट्राई करते हैं, तो सब बताते हैं कैसा है टेस्ट. सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे प्रॉन के साथ, क्योंकि इसका जो प्रॉन चिल्ली है ना, आप लोग ये देखने में तो चिकन चिल्ली को ही फेल किया हुआ लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी होता है. मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है. तो चलो खाकर देखते हैं कैसा लगता है. यार फर्स्ट जब मैंने फर्स्ट बाइट लिया ना, जो टेस्ट आ रहा है ना यार, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता हूँ. बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा. मैं ना चिकन चिल्ली खाया हूँ, बहुत सारा चिल्ली, तरह तरह का चिल्ली खाया हूँ, बट ये जो प्रॉन चिल्ली है ना यार, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. जो फर्स्ट टेस्ट आया ना, वो टमाटो सॉस का जो मीठा वाला टेस्ट आया, फिर सोया सॉस का हल्का टेस्ट आया, उसके बाद जाकर यार जो मछली और प्रॉन तो मैंने कभी खाया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. घर में आता था तो मुझे ना देख के, जैसे उसको साफ़ किया जाता था ना, तभी मैं देख के मतलब अंदर से थोड़ा ख़राब लग जाता था कि नहीं खाना है. बट अभी जो ट्राई कर रहा हूँ ना, ये देखोगे ना आप लोग, नज़दीक से आप लोग को दिखाता हूँ. ये देखो इसका शेप देख लो यार, इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना. और इधर मैं फूड रिव्यू देने में बिजी था, और इधर रॉली है ना लगातार दो प्रॉन खा चुकी है और बोले ना मुझे तो, मुझे ये सब नहीं खाना. मुझे जब हम लोग शूट करने आते, मुझे यार ये नहीं खाना कैसा होगा. देखने में बहुत ही वियर्ड लग रहा था, बट टेस्ट में बहुत ही अच्छा है. इसकी टेक्सचर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्वीट है. ये सावरी थोड़ी सी टेस्ट है, स्पाइसी नहीं है, बट इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही यम्मी है, बहुत ही डिलीशियस लग रही है खाने में. एंड ये जो प्रॉन है इट्स अ लिटिल बिट क्रंची, ये बहुत ही अच्छा सा क्रंच दे रही है. इन इट्स फर्स्ट बाइट आपको बहुत ही स्वीट सी टेस्ट आएगी, येट आपको ग्रेवी होने के बाद भी ना प्रॉन की जो प्रॉपर जो टेस्ट होती है बहुत ही अच्छे से आ रही है. एंड ये बहुत ही प्रॉपरली कुकड हुई है. एंड यस, ये जितने भी शेफ जो हैं इसके, वो कोलकाता से, वो बहुत ही प्रॉपरली ट्रेन है. बहुत ही अमेजिंग डिश बनाई है उन्होंने. ओके देन, चलो अब इस क्रैब को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है. और नज़दीक से आप लोग देख लो कितना खतरनाक दिख रहा है. और इसका ऊपरी परत का बात करें ना, तो ये ऊपर से फ्राई करके रखा हुआ है इस पे. ये इसकी अपर बॉडी है, ये इसके दो आईज है, एंड ये इसके क्लॉज है जो कि ईटेबल नहीं होते हैं. एंड इसकी जो भी मेन इन्ग्रीडियंट है ना, ये यहाँ पे इसमें पूरे स्पाइसेस से कवर किया गया है, बिकॉज हमने ऑर्डर किया था क्रैब तंदूरी ग्रेवी नॉट चिकन. और जो इसे ब्रेक करनी होती है, इस वे में हम इसे ब्रेक करेंगे. या जनरली ना मैंने फॉरेन कंट्री से कुछ वीडियोस देखे थे, ओह माय गॉश दिस इज सच अ ब्यूटी मैन. ये देखो ये इसके ना पॉप्सिकल्स होते हैं अंदर में, जो इसे एक्चुअली में इसे ट्राई करनी होती है. Cheers. कुछ अलग टेस्ट है ना, आज तक ऐसा कभी टेस्ट किया ही नहीं है. समझ में नहीं आ रहा, बोले तो हम लोग बोले क्या, स्पीचलेस हो गए हम लोग. थोड़ा सा ना मुझे फर्स्ट टेस्ट में ऐसा लगा ना, थोड़ा सा मीठा लगा अंदर से, उसके बाद मछली का टेस्ट आया. तो मीठा है सारा का सारा व्यंजन जो है ना, मीठा है, थोड़ा सा मछली का टेस्ट है. और जो मसाला है ना इसका, मसाला काफ़ी स्पाइसी है. ये देख लो मसाला आप लोग को नज़दीक से दिखा रहे हैं, मसाला काफ़ी स्पाइसी है, जिसमें अदरक लहसुन धनिया आदि जो भी मसाला होता है, इन लोगों का सीक्रेट कुछ मसाला भी है, वो भी इनमें यूज़ किया गया है. ये बहुत ही फ्लेवरफुल है एंड रिच विद फ्लेवर. इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, स्पाइसी है, थोड़ी सी स्वीटनेस भी है इसमें, और बहुत ही अच्छे से आ रहे फ्लेवर्स. एंड इसकी जो पॉप्सिकल्स है ना, वो बहुत ही जूसी हैं. तो ये तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बॉडी को इसे क्रश करने में, बट उन्होंने पहले ही बॉडी को अनकवर करके दे दिया था, तो हमें उतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी. बट टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, इट्स वेरी वेरी यमीशियस. एंड इसके जो फ्लेवर्स है ना, वो थोड़े से सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स ये लोग डालते हैं, बहुत ही यमी फ्लेवर्स आ रहे हैं. मैं देख रहा था यार इसके अंदर अभी खाया जा सकता है या नहीं. सो गाइस,
ये आप लोग ऐसा देख के सोच रहे हो कहाँ गए हम लोग, तो वो बाद में बताते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 5:30 एंड टॉकिंग अबाउट द प्लेस, वो प्लेस तो जी सी स्वीट सी जेंटल सी थी। आप वहाँ पे डाइन ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट टेस्ट इज समथिंग जो कि वर्थ ट्राइंग है, तो आप वहाँ पे जाकर डेफिनेटली उसे ट्राई करना। एंड इधर आप चाहो तो आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। सो अगर हम प्राइस की बात करें ना, तो वो जो प्रॉन चिली थी वो हमने हाफ प्लेट पे ऑर्डर किया था, सो उसकी कॉस्ट थी 179 एंड उसमें अराउंड 8 to 9 पीसेस थे ही। एंड और जो हमारी जो क्रैब थी उसकी कॉस्ट थी 189 एंड दे बोथ वर वर्थ ट्राइंग। मुझे लगता है ना क्रैब थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव हुआ हम लोग, क्योंकि वो बाहर से मंगाया गया था। हाँ, एक्सपेंसिव था। अगर आप लगता ना आपको कि आपका उससे पेट भर जाना, तो वो पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ आपको कुछ ना कुछ उसके साथ आपको चाहिए होगी, एज इन आप राइस ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप रोटी, आप जो पसंद करो उसके साथ आप प्लेस कर सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो। जैसे कि चाइनीज आइटम्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको ये नहीं ट्राई करनी हो तो आप वो कर सकते हो। बट आज हम गए थे वहाँ पे स्पेशली इसे ही ट्राई करने, बिकॉज रांची में ये कहीं भी अवेलेबल नहीं होते ये फूड, इसलिए हम वहाँ पे गए एंड हमने ट्राई किया। आई थिंक सो दैट was worth it to try at that place. और मुझे लगता है ना वहाँ पे कुछ अलग ट्राई करने का सीन बनता नहीं है, वो आप लोग कहीं भी ट्राई कर सकते हो। वो स्पेशल प्लेस जो था ना, हाँ, वो सी फूड के लिए था। तो अगर आप सी फूड लवर हो तो वहाँ जाकर ट्राई कर सकते हो। ऐसे चाउमीन चिल्ली तो वो लोग अपना जो है ना अपने हिसाब से बनाते हैं, वो आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो, बट वो प्लेस बेसिकली सी फूड के लिए है, तो वो आप जरूर वहाँ पे जाओ एंड ट्राई करो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड आवर कंटेंट। इफ यू डू सो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही नहीं आया तो लाइक करने क्या है, नहीं टैक्स लगी नहीं कुछ लगी, तो लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो। लेट देम नो कि यहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं। एंड सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद अ फ्रेश न्यू कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ। बाय बाय।